इससे पहले यार फोर्स वन में भी हमने कुछ पुली के एप्लीकेशंस किए थे। अगर मैं कहता था कि ये छोटा वाला ब्लॉक एक एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, तो फिर मजबूरी है ऊपर वाला ब्लॉक एक एक्सेलेरेशन से आगे जाएगा। यार जितनी लेंथ यहां बढ़ेगी उतनी लेंथ वहां से कम होगी, तभी तो वो ब्लॉक आगे खिसकेगा। नहीं तो लेंथ वाली बात से ही हम जानते थे यार, जितना एक्सेलेरेशन इसका नीचे होगा उतना एक्सेलेरेशन इसका आगे होगा। या फिर एक और पुली वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सिंपल पुली, रेड वाला एक एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा तो ग्रीन वाला एक एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। बाउंडेड है यार एक दूसरे से, अगर वहां से धागा नीचे आएगा तो यहां से धागा ऊपर जाएगा, यानी यार दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा सेम। तो इस टॉपिक में यार ऐसे बहुत सारे पुली के अरेंजमेंट बनाए गए हैं जिसमें सेम से हट के कुछ बात हम करेंगे, यानी यार दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। जैसे पिछले में यार टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए और एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए और हर जगह ए ही आता था, अब इस टॉपिक में कुछ ऐसा होगा कि टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू टू ए या एम इंटू ए बाई टू या एम इंटू ए बाई, यानी एक्सेलेरेशन इस बार दूसरी इक्वेशन में सेम नहीं होंगे, है ना। उसके लिए पुली के कुछ अरेंजमेंट बनाए गए हैं, तो उनमें तीन बेसिक अरेंजमेंट है जिनके बारे में हम पहले तो यार बात महसूस करें। जैसे यार पहला बेसिक अरेंजमेंट मैंने ये दिखाया है ना, बेसिक अरेंजमेंट वन, ये तो तुम्हें यार पिछली टॉपिक से ही शुरुआत हो चुकी थी। ये बात तुम यार लेंथ से समझ सकते हो कि अगर ये ब्लॉक एक्स वन नीचे जाएगा तो मजबूरी है कि ये ब्लॉक उतना ऊपर जाएगा, तो जो रिलेशन दूरी में वही वेलोसिटी में वही एक्सेलेरेशन में, यानी यार इस एम वन मास का एक्सेलेरेशन ए वन होगा तो एम टू बग ए टू होगा, तो मैं लिखूंगा ए वन इक्वल टू क्या होगा ए टू। बल्कि पिछले टॉपिक में हम दोनों को सेम नाम दिया करते थे, एक को ए नीचे और एक को ए ऊपर, सेम नाम देते थे कि नहीं। यार इस पॉइंट को पकड़ के कोई ए के एक्सेलेरेशन से ए वन के एक्सेलेरेशन से ऊपर ले जा रहा है तो ये ब्लॉक कितने एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, इस बात को समझने के लिए ये जरा इस पे ध्यान दो। मगर अगर मैं कहता हूं ये सेंटर यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है सपोज, तो इस स्ट्रिंग में से इतना पोर्शन और इतना पोर्शन वो कम हो जाएगा, वो सब जाएगा कहां, वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे सोचा जब ये सेंटर ऊपर जाएगा यार ये धागा यहां से कम होता जा रहा है और यहां से भी कम होता जा रहा है, वो सब जा कहां रहा है, एक ही तरफ जा रहा है ना। अगर मैं कहता हूं यार कि ये सेंटर यहां से कुछ एक्स शिफ्ट हो गया है, तो यार यहां वाले धागा की एक्स लंबाई और यहां वाले धागे की एक्स लंबाई वो सब कहां चली गई है, यहां चली गई है, तो ये वाला एंड कितना शिफ्ट हुआ होगा, टू एक्स शिफ्ट हुआ होगा यार, यहां से ये कितना शिफ्ट हुआ होगा यार, ये धागा कम हुआ ये धागा कम हुआ सब गया कहां, सब यार यहां चला गया ना, तो ये कॉर्नर वाला एंड कितना खिसका होगा फिर, 2x, समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी अगर कोई ये कहे कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इस एंड की वेलोसिटी v2 है, तो v2 ज्यादा होगा या v1, v2 ज्यादा होगा। अरे सीधी सी बात है, ये अगर कुछ x चलता है तो ये 2x चलता है तो इसकी वेलोसिटी डबल होगी, मैं कहूंगा v2 इक्वल टू क्या होगा, नहीं यार मैं यहां कह सकता है अगर इसकी वेलोसिटी v2 है और इसके सेंटर की वेलोसिटी v1 है तो यार जो सेंटर की वेलोसिटी होगी वही ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, तो v2 इक्वल टू क्या होगा 2v1, और जो रिलेशन वेलोसिटी में वही रिलेशन एक्सेलरेशन में, तो a2 इक्वल टू क्या होगा 2a1, याद रख सकते हैं। और याद रखना बड़ा आसान है यार ये बात, डिस्टेंस वाली तुम महसूस कर सकते हो कि सेंटर अगर यहां से यहां तक जाएगा तो यहां की जो लेंथ कम हुई है और यहां की जो लेंथ कम हुई है वो सब एक ही तरफ तो चली गई है, कोई दिक्कत है यार। ये बेसिक अरेंजमेंट टू है जिसको याद रखना। अच्छा ये कौन सा अरेंजमेंट है,
ये भी यार अरेंजमेंट टू है, उसी को यार हॉरिजॉन्टल करके दिखाया है। तो चल सेंटर अगर यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, यार ये धागा जो कम हुआ और ये धागा जो कम हुआ है वो सब एक तरफ शिफ्ट हो गया कि नहीं? यानी यार अगर सेंटर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर। ये कौन सा अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट टू। तो एक और अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट टू का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, अगर मैं कह दूं कि ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की रखता है तो सेंटर की क्या होगी? यार ऐसे सोच, अगर ये 4 से जाएगा तो यहां एक डॉट रख दो, यार अगर ये 4 से जाएगा तो ये डॉट भी, फिर तो ये अरेंजमेंट 2 जैसा हो गया। अगर ये डॉट 4 से जाएगा तो सेंटर आधे से जाएगा, यही तो बताया गया अभी यार, कि यार कॉर्नर के मुकाबले सेंटर की स्पीड आधी होती है। तो अगर ये डॉट V1 से ऊपर जाए तो सेंटर कितने से ऊपर जाएगा? V1/2 से। अब चलो यार एक और अलग से बात करें कि अगर ये वाला ब्लॉक चलने लगे किसी V2 से, यार यहां वाला डॉट V2 से चलने लगे तो सेंटर कितने से चलेगा? V2/2 से। और अगर दोनों चलने लगे, यार ये V1 से और ये V2 से, तब सेंटर कितने से चलेगा? हा यार अगर ये V1 से चलने लगे, ये V2 से चलने लगे तो सेंटर इसकी वजह से V1/2 और इसकी वजह से, तो कितने से चलेगा? V1+V2/2 से चलेगा। बात समझ रहे? तो जो रिलेशन वेलोसिटी में वही एक्सेलरेशन में। ये बेसिक अरेंजमेंट क्या है? 3 है। ये तीनों अरेंजमेंट तुम्हें लिखना है और उनके रिलेशन लिखना है और कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए कि क्यों। नहीं तो ये ब्लॉक भी कितने से जाएगा? इसकी वेलोसिटी में V3 लिख दूं तो मैं कह सकता हूं ब्लॉक की वही वेलोसिटी होगी जो सेंटर की वेलोसिटी होगी, यानी V3 इक्वल टू क्या होगा? तो A3 इक्वल टू क्या होगा? कोई दिक्कत है? तो ये तीन बेसिक अरेंजमेंट है जिनके रिजल्ट अगर याद हैं तो हम कुछ और भी बेसिक, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट निकाल सकते हैं इनकी मदद से। तो ये यार क्लियर है पहले तो ये पक्का करूं। नोट कर लिया? नोट करते चलो भाई लोग। अच्छा यार एक कन्वेंशन है कि ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे और नीचे को नेगेटिव। हटा दे यार। चलो एक मैं बेसिक अरेंजमेंट 3 का एक्सटेंशन दे रहा हूं। ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो यार पुली की वेलोसिटी क्या होगी? चलो एक मैं बेसिक अरेंजमेंट 3 का एक्सटेंशन दे रहा हूं। ये ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो यार पुली की वेलोसिटी क्या होगी? और अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से राइट जाने लगे तो ऊपर की नीचे, तो हमें पता है यार कि वो ज्यादा है, तो ये 8/2 - 4/2। नहीं यार हमें पता है कि वो ज्यादा है इसलिए 8/2 - 4/2, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, है ना? क्योंकि यार अभी सब दिख रहा है इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमें ना दिख रहा हो, जैसे मैं कह दूं ये V1 है ये V2 है, तब तुम क्या आंसर लोगे? तब तुम लिखोगे यार V1/2 - V2/2, ऐसे तो लिखोगे यार,
से ऊपर एरो बनाओगे ऊपर, क्या तुम्हें पता है कि वी वन ज्यादा है? नहीं ना, तो तुम ये भी तो लिख सकते थे कि वी टू ज्यादा है। तो अगर तुम ऐसा लिखते कि वी टू ज्यादा है तो तुम्हें एरो कहां बनाना चाहिए, और फिर लिखना चाहिए वी टू बाई टू माइनस वी वन बाई टू। अगर तुम ऐसा लिख रहे हो कि वी टू ज्यादा है तो एरो कहां बनाना चाहिए, नीचे? नहीं। अच्छा, अगर कभी ये आंसर पॉजिटिव आ गया तो सही में नीचे जा रहे हैं। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ये आंसर निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब कि हमने माना नीचे, एक्चुअली में वो ऊपर जा रहा है। तो जहां हम मानते हैं हमेशा यार डिस्कशन उसी के हिसाब से करते हैं, और अगर वैल्यू देने के बाद वो निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो चीज एक्चुअली में उल्टी है। यही तो मतलब है यार। जैसे अभी अभी कोई वैल्यू दे कि वी टू फोर है और वी वन एट है, तो ये आंसर आएगा कितना आएगा? तो भले यार एरो हमने नीचे लगाया था, बट चूंकि आंसर निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो तुमने माना था उसका उल्टा होगा, यानी बॉडी एक्चुअली में कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। क्लियर है? तो ये बेसिक अरेंजमेंट से अब यार बेसिक अरेंजमेंट से बने हुए कुछ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है जिनकी वेलोसिटीज के बारे में तुम कमेंट करोगे एक एक करके, और उसके डायग्राम मैंने बना रखे हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने ये डायग्राम है, ये मुद्दा है ए टू और ए वन में रिलेशन निकालना, और तरीका मैं बता रहा हूं। बता यार ये पुली इन तीन में से किस अरेंजमेंट वाली है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? यार ये पुली एक फिक्स पुली है, और ऐसा किसमें था? फर्स्ट में। अगर ये डॉट ए टू से ऊपर जा रहा है तो यहां एक डॉट बनाओ, वो कितने से नीचे आएगा? यार ये फर्स्ट अरेंजमेंट में जितना एक्सेलेरेशन इधर का होता था, यानी यार इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? ए टू बाई ए टू होगा यार, अरेंजमेंट वन है ना यार। अरेंजमेंट में एक एंड जितना होता होगा दूसरा एंड भी उतना ही होगा। चलो ए टू आ गया। अगर इस डॉट का ए टू है तो सेंटर का ज्यादा होगा या कम होगा? यार अभी तो बताया था यार, कॉर्नर का ज्यादा होता है सेंटर का, सेंटर का कम होता है, तो सेंटर का कितना होगा? ये अरेंजमेंट टू है ना यार, इतना देखो यार, इतने को गौर से देखो, बस इतने को पुली चल रही है, ये कौन सा अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट टू। तो सेंटर कितना होना चाहिए? सेंटर का एक्सेलेरेशन होगा ए टू बाई, और जो सेंटर का होगा वही ब्लॉक का होगा, तो ए वन इक्वल टू कितना आ गया? यही पूछा गया था, रिलेशन बताना था। बात समझ गया यार? कहीं एक जगह से शुरुआत करो और फिर देखते जाओ कौन सा अरेंजमेंट है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो यार एक मैंने बता दिया है और दूसरा तुम्हें करके दिखाना है। ए वन और ए टू में रिलेशन कहीं से भी शुरू कर दो और फिर एक्सप्लेन करो। पहले यार ये एक काम करो यार, तुम्हारी थ्योरी शीट में ये सारे क्वेश्चन दिए उसी में बनाते चलो यार, गंदा करते चलो उसको यार। यहाँ पे यार थ्योरी शीट से टाइम बचाया जा सकता है तो हमें बचाना चाहिए, वैसे भी ये किसी काम नहीं आएंगी। तुम्हारा छोटा भाई नए असाइनमेंट से पढ़ेगा, कुछ लोग छोटे भाई के लिए बचा के रखते हैं। पता अगर ये A1 है तो ये डॉट कितने से आगे जाएगा? यार ये पुली अरेंजमेंट वन वाली है, जितना यहां नीचे उतना ये सेंटर आगे। इतने में किसी को दिक्कत है यार? अब अगर सेंटर ए वन से जा रहा है तो सेंटर के ये किनारे पे ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया? ये सेकेंड अरेंजमेंट है। अगर सेंटर ए वन से तो यहां वाला ज्यादा होगा कि कम? यार सेंटर कम होता था कि कॉर्नर कम होता था? सेंटर कम होता था। तो सेंटर अगर ए वन से है तो ये कितने से होगा? टू ए वन से, और उसी का नाम इन्होंने क्या दिया है, तो ए टू इक्वल टू कितना आ गया? टू ए वन। अरे यार पीछे पलट के देख लो आराम से, अपने आप को समझा लो कि सेंटर ज्यादा होता है कि कॉर्नर ज्यादा होता है।
और अगर ये हो गया है तो थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, चलो यार देखो जरा, ये A1 से नीचे जा रहा है तो यहां एक डॉट बनाओ, बताओ ये कौन सी अरेंजमेंट की पुली है फर्स्ट। तो अगर ये A1 से नीचे जाएगा तो यहां एक डॉट रखो, वो कितने से जाएगा, A1 से ऊपर नहीं, चलो ये A3 से नीचे जा रहा है ब्लॉक, तो यहां एक डॉट रखो, ये कितने से ऊपर जाएगा, कितने से, A3 से ऊपर जाएगा। फिर यार बीच वाला ब्लॉक किस अरेंजमेंट का हो गया, ये थर्ड अरेंजमेंट हो गया, जहां दोनों धागों पे एक्सेलेरेशन होता था जिसकी वजह से पुली को रिजल्ट मिलता था। तो फिर यार इसका सेंटर कितने से ऊपर जाना चाहिए, A1 प्लस A3 बाय, लेकिन इन्होंने तो यार ब्लॉक को नीचे दिखाया है, तो इसका मतलब यार ब्लॉक में जो ये A2 का आंसर होगा वो अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये हो गया यार, कितने लोगों ने ये कर लिया था, तो डी पार्ट इसका भी बड़ा भाई है, कोशिश करो यार डी पार्ट करने की। चलो यार बता यार, ये ब्लॉक A1 से जा रहा है, यहां एक डॉट रखो, वो कितने से जाएगा, A1 से नीचे जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है यार, ये अरेंजमेंट 1 है। फिर बता यार सेंटर ज्यादा से जाएगा कि कम से, कम से, कम से जाएगा ना यार, तो अगर कॉर्नर A1 है तो सेंटर A1/2 से। अच्छा यार इतना कितने लोगों ने कर लिया था यार, इतने में तो कम से कम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब यार ये अरेंजमेंट 3 खतरा है, और अरेंजमेंट 3 का कमेंट हम तभी करते हैं जब दोनों एंड भी तो लिखते हैं। तो अब जरा उस तरफ से शुरू करें, ये A2 से जा रहा है तो यहां एक डॉट रखो, वो कितने से जाएगा, ऑफ कोर्स यार ये पुली फिक्स पुली है, और फिक्स पुली यानी अरेंजमेंट 1, अगर ये A2 से जाएगा तो ये A2 से नीचे जाएगा, इतना हो गया यार। तो फिर यार सेंटर का एक्सेलेरेशन वो होगा A1/2 प्लस A2 का होल डिवाइड बाय यार ये एक्सेलेरेशन प्लस ये एक्सेलेरेशन का होल डिवाइड बाय, यही तो पढ़ाया गया यार। और जो सेंटर का एक्सेलेरेशन होगा वही ब्लॉक का होगा, क्योंकि ब्लॉक सेंटर से जुड़ा है। कितने लोगों ने ये कर लिया था यार पूरा, भाई करो यार, यार एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। और अब सबसे भयानक वाला, ये वाला दिमाग लगाने से बढ़ता है यार, बचा के रखोगे तो बेकार हो जाएगा। चलो यार मिलाओ, बाकी लोग मिलाओ, ये ब्लॉक A1 से कहीं से भी शुरू करो यार, A1 से नीचे जा रहा है तो बता यार ये कितने से जाएगा, A1 से ऊपर, अरेंजमेंट 1 है तो सेंटर A1/2 से ऊपर, तो सेंटर यार ये भी अरेंजमेंट 2 है, A1/4 से ऊपर, ये अरेंजमेंट 2 है क्या, ये नहीं है यार, ये अरेंजमेंट 3 है। तो यहां कहानी हमें रोकना पड़ेगी, तो अब इस तरफ शुरू करते हैं, सेंटर A4 से नीचे जा रहा है तो यहां एक डॉट रखो, पता यार सेंटर के मुकाबले कॉर्नर पे तेज वेलोसिटी होती है 2A4, तो यहां 2A4, तो सेंटर यार भैया ये अरेंजमेंट, अरे ये फिर से थर्ड अरेंजमेंट है, कहानी रुक जाती है। हम जानते हैं यार इसकी और इसकी मतलब लिख सकते हैं नहीं, तो गड़बड़ हो रहा है यार। इसको एक काम करते हैं यार, इसको कुछ ए प्राइम मान, तो क्या यार दिस प्लस दिस मिलके इसको दे यार ए प्राइम प्लस 2A4/2 इक्वल टू कितना होगा A3, तो ए प्राइम निकल आएगा, चलो निकल आएगा, अभी मैंने एक इक्वेशन बना ली है। और ए प्राइम मानते ही आगे कहानी चल पड़ी यार, ये ए प्राइम से अगर ऊपर जा रहा है सेंटर, सेंटर अगर ए प्राइम से ऊपर जा रहा है तो ये डॉट 2A प्राइम से, तो यहां एक डॉट
टू ए प्राइम से नीचे, यार एक नीचे और एक ऊपर और नीचे तो ज्यादा कौन सा होगा, तो ये होगा टू ए प्राइम माइनस ए वन बाई फोर होल डिवाइड बाई टू इक्वल टू क्या ए थ्री। काउंट यहां से ए प्राइम उठा के वहां कर दो या वहां से ए प्राइम उठा के, तो रिलेशन आ जाएगा। चार एक्सेलेरेशन का रिलेशन था इस बार, क्यों यहां मैंने ठीक 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 है यार, दिस प्लस एड बाई टू उससे एक्सेलेरेशन ऊपर आना चाहिए, जबकि यार इसमें दिया कहां है, तो यहां एक माइनस और लगाना पड़ेगा। कितने लोगों ने कर लिया था, तो बात आती है यार कि इतनी देर से हम एक्सेलेरेशन के रिलेशन लिख क्यों रहे हैं यार, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना वही है फोर्स वाले क्वेश्चंस। अरे फोर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले जो कर रहे थे वही सिलसिला फिर से कंटिन्यू करना है, बस अब हमारे एक चीज आ गई है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम एक काम और कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन के रिलेशन ला सकते हैं। नहीं यार, इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलेरेशन ए वन वन वाली पुली है ए वन, नहीं तो सेंटर का टू वाली पुली है तो सेंटर का ए वन बाई टू, ऐसी तो होगा यार, नहीं यानी यार इसका एक्सेलेरेशन ए टू इक्वल टू कितना आ गया ए वन बाई टू, ये नई बात है जो मैंने आज बताई है, और पुरानी बात कि इसकी एफ बी डी और एक इक्वेशन, इसकी एफ बी डी और एक इक्वेशन और फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना, कर पाओगे कि नहीं, आंसर निकालो यार ए वन और ए टू का, ए वन और ए टू का आंसर निकालना है, दोनों के लाना है, फ्री बॉडी हम बना के एक्सेलेरेशन निकालना। बताया इस 2 केजी पे लगने वाले फोर्स कौन से हैं, ये रही बॉडी टी कहां ऊपर और ग्रेविटी का भूतिया फोर्स 2g नीचे, ये कारण डायग्राम और इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलेरेशन कहां नीचे, कितने लोगों ने बना लिया यार, फिर इक्वेशन भी बनाई ली होगी यार, ज्यादा 2g की टी तो इक्वेशन बनेगी 2g माइनस टी इक्वल टू 2a1 एफ नेट इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ वाली इक्वेशन, कोई दिक्कत है यार, ये हो गई। मतलब यार 1 kg की बॉडी पे लगने वाला फोर्स 1g का, यार अगर इसमें टी है और इसमें टी है तो इसमें कितना होगा 2t ऊपर, तो एक्सेलेरेशन कितना, यार एक ही अननोन माने यार ए वन बाई टू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें ज्यादा कौन 2t माइनस 1g इक्वल टू 1 a1 by 2, बस यही नहीं बात है यार, पहले जब हम क्वेश्चन किया करते तो एक्सेलेरेशन सेम ही रहता था हर जगह, बस यही नहीं बात है, दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें यार, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा दें, नहीं ये माइनस 2t ये प्लस 2t कैंसिल हो गया, 4g माइनस 1g इक्वल टू 4a1 प्लस a1 by 2, तो A1 का आंसर आ गया 2g/3, कोई दिक्कत है यार, A1 आ गया तो A2 कितना है, इसका आधा यानी कितना, और मैंने जैसा माना है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आए हैं तो वही सही है, यानी ये आंसर कौन सा हो गया यार,
अगर आंसर निगेटिव आ जाते तो फिर हमें सोचना पड़ता है, हमने एवन नीचे माना है तो नीचे है, पॉजिटिव आंसर आया 2g/3 डाउनवर्ड, और ए टू मैंने ऊपर माना है आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब g/3 अपवर्ड। कोई दिक्कत है? बस यार यही डिस्कशन अब सबके लिए लगाना है, बस जितने क्वेश्चंस हैं। यानी यार जो बात फोर्स में हम पहले पढ़ चुके हैं बस वो अप्लाई करना, नई बात जो आज पढ़ाई गई है वो तो तुम्हें आना ही चाहिए यार, एक्सेलेरेशन के रिलेशन निकालना। अच्छा मुझे यार यहाँ ये दिखाना था कि पुली के अरेंजमेंट से क्या फायदे हैं, अगर ये आदमी 50 किलोग्राम का दुबला पतला आदमी है तो ज्यादा से ज्यादा 400 न्यूटन 500 न्यूटन फोर्स लगा सकते, पूरा लटक जाए तो 500 न्यूटन, थोड़ा बहुत जमीन में छुलता रहे तो 400 न्यूटन, यानी 14g का फोर्स लगा सकता है। तो बताए यहां पे एक बड़ा सा पत्थर बंधा है 200 किलोग्राम का, ठीक है, क्या ये उठा पाएगा? हाँ यार 200 किलोग्राम पे जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 2000g का, जरा बताए अगर इसमें टेंशन 400 है तो इसमें कितना होगा, तो इसमें कितना होगा 128 0 0, 1280 kg तक ये उठा सकता है, 1280 kg। बल्कि अगर 500 न्यूटन लगा दे तो और ज्यादा आ जाएगा यार 12800 न्यूटन, मतलब 1280 kg की बॉडी को ये ऊपर उठा सकता है 50 किलोग्राम का दुबला पतला आदमी, नहीं उठा सकता है। हाँ एक बात है कि जिस एक्सेलेरेशन से ये धागा खींच रहा होगा, एक एक्सेलेरेशन से, उस एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक ये कितने एक्सेलेरेशन जाएगा बता सकते हैं? ठीक है, ये अगर ए से जाएगा तो ये इसका एक्सेलेरेशन a/4 यार उससे बहुत स्लो जाता होगा तो क्या फर्क पड़ता है यार, इसको उठाना ही मुश्किल है यार, तो थोड़ा स्लो चला जाए तो क्या दिक्कत है यार, क्या बताया यार ऐसे खींच खींच के ये पत्थर ऊपर आ जाता होगा, फिर किसी चीज से फंसा के खींच लेते होंगे और ये दीवार के ऊपर चढ़ा देते होंगे, नहीं यार।